सायला तहसील में कुल 24 पटवार मंडल है, लेकिन आधे पटवार मंडलों में पटवारियों के पद रिक्त होने से काश्तकारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले से पटवारियों की कमी को लेकर जूझ रही सायला तहसील के एक एक पटवारी को 2 या 3 पटवार मंडल का प्रभार दे रखा था, लेकिन प्रदेश पटवार संघ द्वारा उनकी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन के आह्वान पर पटवारियों ने अतिरिक्त पटवार मंडलों का चार्ज छोड़कर बस्ते जमा करवा दिए हैं, जिसके चलते रिक्त चल रहे पटवार मंडलों के ग्रामीणों को छोटे छोटे कार्यों के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर पटवारी की रिपोर्ट करवानी पड़ती है, लेकिन 15 जनवरी से अधिक समय से पटवारी आंदोलनरत हैं। ऐसे में अतिरिक्त पटवार मंडल के ग्रामीणों और काश्तकारों में सरकार के प्रति रोष है। जानकारी के अनुसार सायला तहसील में 24 पटवार मंडल है, लेकिन यहां केवल 12 ही पटवारी कार्यरत है। तहसील क्षेत्र में तालियाना, ओटवाला, चौराऊ, तुरा, थलवाड़, पाथेंडी, देता कला, सांगना, सिराना, पोषाना, जीवाना पटवार मंडलों के पद रिक्त चल रहे हैं। किसानों एवं ग्रामीणों की मांग है कि पटवारियों का हितों को ध्यान में रखते हुए रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के लिए कदम उठाने चाहिए। वही पटवार संघ लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। पटवार संघ का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे सरकार नहीं मानेगी, तब तक वो अतिरिक्त कार्य का बहिष्कार करेंगे। वही सरकार द्वारा पटवार मंडलों में राजस्व कार्य के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में ग्रामीणों में शासन एवं प्रशासन के प्रति रोष है। पूरे राजस्थान में पटवार संघ की जो अतिरिक्त पटवारियों का जो चार्ज है, उनके बस्ते तहसील स्तर पर जमा करवाए हुए हैं, इसलिए आम लोगों के, आम किसानों के छोटे मोटे काम हैं उनके लिए पटवारियों का मतलब बस्ता जमा होने के कारण उनके कामकाज पूरे ठप हो रहे हैं। जैसे बैंक के छोटे मोटे काम होते हैं और सहकारी समिति और कई प्रकार के जमाबंदी है, नक्शे वगैरह, उनके लिए तहसील लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके काम नहीं हो रहे। तो सरकार से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पद रिक्त है, या तो वहाँ कोई सरकारी वैकल्पिक व्यवस्था करवा करके उनके कामकाज को वापस सुचारू रूप से मतलब चालू किया जाए। मेरी यही सरकार से एक मांग है।